हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारत एवं विश्व के मानचित्र से परिचित है। स्कूली शिक्षा के दौरान ही हमें भारत के प्राकृतिक एवं राजनीतिक मानचित्रों के बारे में बतलाया गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था, या आज हम जिस भारत के मानचित्र को देखते हैं उसका निर्माण किसने किया था? जैसा कि ऐतिहासिक रूप से कई लोग भारत के पहले मानचित्र के निर्माण के संबंध में दावा कर चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न का सटीक उत्तर देना एक कठिन काम है। तो आइए हम आपको उन तीन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने अलग अलग कालखंड में भारत के मानचित्र का निर्माण किया था। नंबर 1, इरेटोस्थनीज। 300 ईसा पूर्व में ग्रीस के शासक सिकंदर ने ग्रीस के गणितज्ञ इरेटोस्थनीज को पहली बार भारत के मानचित्र को तैयार करने का आदेश दिया था, जिसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 2, टॉलेमी। इरेटोस्थनीज के बाद टॉलेमी भारत आया था, जिसके द्वारा निर्मित मानचित्र इरेटोस्थनीज से थोड़ा बेहतर था, लेकिन वह भी अजीब दिखाई देता था, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद 18वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया। साल 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को हराया था। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज वहां के लोगों से कर वसूलना चाहते थे, लेकिन उस समय मानचित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण अंग्रेज बंगाल की सीमा क्षेत्र को सही तरीके से नहीं जानते थे। अतः उन्होंने भारत के मानचित्र को तैयार करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने ब्रिटिश सेना में कार्यरत ज्यामिति विशेषज्ञ जैक विलियम लेबेंटन को नियुक्त किया। नंबर 3, विलियम लेबेंटन और जॉर्ज एवरेस्ट। विलियम लेबेंटन ने भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र मद्रास से मानचित्र बनाने का काम शुरू किया था। उन्होंने इसके लिए सरल त्रिकोण विधि का इस्तेमाल किया। लगातार 18 साल तक कार्य करने के बावजूद लेबेंटन भारत के नक्शे के एक तिहाई हिस्से को भी पूरा नहीं कर सके थे, जिसके बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली थी और उनके स्थान पर जॉर्ज एवरेस्ट को नियुक्त किया गया था। जॉर्ज एवरेस्ट पूरे भारत का मानचित्र बनाकर उत्तर में हिमालय के क्षेत्र में पहुंचे। चूंकि हिमालय का विस्तार नेपाल और तिब्बत में भी है, लेकिन नेपाल ने अंग्रेजों को अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अंग्रेज भारत की तरह उनके देश को भी अपना गुलाम बना लेंगे। अतः जॉर्ज एवरेस्ट ने त्रिकोणमिति के सरल तकनीकों का उपयोग करके एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा था। जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा मापी गई लगभग 99.75% जानकारी सटीक थी। यही कारण है कि दुनिया के सर्वोच्च शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। अतः हम कह सकते हैं कि विलियम लेबेंटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया था।